इंतजार कर रहे हैं, तो कोई खास वजह? माहौल ऐसा है, तो आगे क्या होगा तो पता नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अब इस वक्त हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़। तो हम समझते हैं कि हम सब एक साथ मिलते हैं। जब मैं एक साथ ही बात करता हूँ तो हमारे पी एम सी ऑफिसर है, हमारी पुलिस है, हमारे इस तरह से सबको वैक्सीनेट करें। आप में से कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं? सब। दूसरा बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है सब वैक्सीनेट हो जाए फिर आगे का सोचें, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। Niharika, you want to say something? I think that sir is here. I think this was a golden. So, he's the ultimate authority. Sudha ji, aap kuch kahenge? Vaccination ko aap bhi kara ke de rahi hain sabko. Every day, hard work guys. Ye dekhe hai. Abhi mera center chal rahe hamare. Mera center hai aur zyada hi hai. Aur every day karib 1500 करे नहीं जितना हो सके। आप लोग भी ये चीज़ फैलाएं, मीडिया भी करें फैलाएं, तो वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। सही तरीका बहुत हेल्थ है लोगों को, मतलब हर तरह से ट्रांजेक्शन से जो भी सोशल और तकलीफ हो चुका था, तो बड़ी उसकी बड़ी जब मैसेज टू अदर पीपल और कम फॉरवर्ड एंड एनकरेज दिस पर्टिकुलर वी हैव टू वी हैव टू सबको साथ में मिलकर ही करना पड़ेगा। हम अथॉरिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, कितना मॉडल अथॉरिटी को ब्लेम करेंगे। पेंडेमिक है जो ये जनरेशन पहली बार फेस कर रही है, इसमें हम कितने हॉस्पिटल बना लेंगे, इसमें हम कितने डॉक्टर कितने पुलिस को यूज करेंगे। कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हम अपना ख्याल कैसे रखें। ब्लेम करना बहुत आसान है, जैसे अगर अभी आप देखें तो कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं जो हिल स्टेशन जैम पैक है, तो वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम किस तरह से हेल्प करें। अब क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते कि बीएमसी ने काम नहीं किया, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो मुंबई की हो, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, या डॉक्टर्स हो गए, सारे 24 घंटा लगे हुए हैं। अब वक्त है कि हमारा उनका साथ देना। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।